ओके टॉप से शुरू करो रुचिता एंड अमृता यहाँ से गई ऊपर नहीं नहीं पूरा सबको समझ में आया क्या हो रहा है पांचवें पेज तक पूरा पढ़ना है यहाँ से ऊपर गई जाके वापस से शादी होने वाली है लेकिन पता नहीं हाँ हो सकता है एक बार में पूरा अपना नहीं पाया तो सोच रहा हूँ एक और बार पूरा शायद अपना पाऊँ तो यही मेरा गोल है लेकिन आपको तो मार दिया गया तो कैसे बचेंगे आप तो भूत बोल रहे थे हाँ तो मैं भूत बनने का नाटक कर रही थी ताकि अमृता का सच बाहर आ जाए हाँ तो मैं नाटक कर रही थी भूत बनने का भूत बनी नहीं थी मरी नहीं थी मैं बच गई थी खाटू श्याम जी की कृपा से मैं बच गई थी जी इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है बट जितना हमें पता है ये है कि अभी अमृता का सच बाहर आएगा एंड उसके आगे क्या होता है कोई आइडिया नहीं अभी जैसे कि शादी में इसके आगे का सीक्वेंस हो सकता है कि वो बाजी पलट जाए वो दोबारा से जैसा कि पहले भी हमने देखा था कि वो मुझे गलत साबित करती आ रही है मैं मतलब पहुंचते उसकी सच्चाई बाहर लाते लाते रह जाती हूँ तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो जितने भी प्रूफ मैंने कलेक्ट किया है वो गलत साबित कर दे और दोबारा से वो बच जाए और मैं गलत साबित हो जाऊँ इसके लिए आपको देखना होगा मन सुंदर 8:30 दंगल टीवी पे आपने उसको काफी सपोर्ट किया था फिर उसने ऐसा किया क्या हाँ वजह यही है कि वजह यही है कि जो भी छुरा घोपता है वो कोई अपना ही होता है जिसको आप सपोर्ट करते हो
वही आपको धोखा देता है और उसी का आपको बुरा लगता है, तो यही वजह। जो भी हो, नेहा की किसी का शादी हो रही है, पूरा हो रही है, नेहा जी क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ शादियाँ ही करते जा रहा हूँ मैं भी कभी लेकिन मजा आता है वैसे शादी करके। अब मुझे लगता है जो मेरी असली में शादी होगी ना, मैं बिल्कुल ट्रेंड हो जाऊंगा, हमें आदत हो गई है। एक एक रस्म मुझे पता होगी, मैं पंडित जी को सिखा रहा हूँ, अरे पंडित जी ये मंत्र आपने गलत पढ़ा। अभी आपने कुछ बोला इसके पहले आते आते बोला भी था। हाँ जी, वो सुहागरात तो देखो बच्चा भी मेरा बिना सुहागरात के हो गया, अमृता प्रेग्नेंट हो गई बिना सुहागरात के, तो पता नहीं क्या हो रहा है ये। मुझे तो लग रहा है निहार ही इस टाइम शादियाँ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, जिंदगी बर्बाद है उसकी अभी। मैडम क्या कहते हैं कि दर्शकों को काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और एक नया ट्विस्ट आप देखने को मिलेगा तो, और काफ़ी लोकप्रियता भी है सीरियल से। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, और जो बदलाव आने वाला है सीरियल में, जो भी आगे एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। दादी जी तो पहले ही मिल चुकी थी मेरे साथ तो, और सबसे अच्छी बात है कि दादी जी अब बदल चुकी हैं, वो पॉजिटिव हो चुकी हैं, और परिवार वाले भी कहीं ना कहीं बहुत खुश हुए हैं कि इतने दिनों से जो चलता आ रहा है कि रुचिता नहीं है, अचानक से वो पता चलता है कि वो जिंदा है, तो हाँ सबके लिए बहुत शॉकिंग है। और जब अभी सच्चाई बाहर आती है तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या रिएक्शन निकल के आता है। हाँ बधाई हो आप लोग की तीसरी बार शादी, इसके आगे मिली तो बच्चे के साथ मिले, क्या करना चाहिए? बस इसके बाद क्या पता हम डाइपर चेंज कर रहे हो और अमृता और रुचिता दोनों का बच्चा मेरी गोद में हो। देखते हैं क्या होता सपने। एक बच्चा हो रहा है। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि रुचिता भूत है, मैं इतने दिनों से उससे डर रही थी, पर वो मुझे क्यों डरा रही थी वो आज पता चलेगा, और वो सच में बच गई है। वो कैसे बची है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शायद पब्लिक को पता होगा वो कैसे बची है, वो इतने दिन से मुझे भूत बन के डरा रही है, और वो क्या साबित करना चाहती है, वो मेरे मुँह से सच्चाई निकलवाना चाहती है, वो सब हम आज के एपिसोड में बताएंगे। आप अपने प्लान में सक्सेस कैसे नहीं हो पाए, फिर कैसे हो गए? शायद डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा देता है, तो उसी डर के चक्कर में शायद मैं वो सब बोल दूंगी, या बोल दिया है मैंने कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने निहार को पाने के लिए जो भी किया, रुचिता को मारा, दादी को धक्का दिया, जो भी किया वो सब शायद मैं डर के मारे बोल दूंगी। तो अब आगे क्या होगा वो आप आगे के एपिसोड में देखिए। हाँ, क्योंकि जब मेरी शादी रुचिता से होने जाती है तो वो मुझे ही कुछ तो ऐसा होता है जिसमें हम बदल जाते हैं और रुचिता मंडप पे आ जाती है और मैं उसके अवतार में आती हूँ। बहुत ड्रामा है एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि बिकॉज अभी तक हमने नहीं बताया है कि रुचिता है घूंघट के अंदर, तो जब ये रिवील होगा तो एवरीवन विल बी वेरी शॉक्ड कि रुचिता कहाँ से आई, तो अमृता थी, और अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग भी देखते रहिए मन सुंदर रात 8:30 बजे ओनली ऑन दंगल। सबका अपना अपना कैरेक्टर है, अभी मैं अमृता से इतनी वो हो गई हूँ कि मतलब अमृता करके ऑफकोर्स मुझे पता है कि बीइंग एन आयुषी मुझे पता है कि अमृता जो भी कर रही है वो गलत है, लेकिन अब ये कैरेक्टर है अमृता ऐसी ही है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो निहार को पाके रहेगी, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, तो अब उसके लिए वो कुछ भी करेगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब बोल खुल जाएगा तो आपका किरदार क्या रहेगा? मेरा किरदार क्या रहेगा वो मुझे खुद भी नहीं पता अभी, क्योंकि हम कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, तो अब आगे मैं इस घर में रहूँगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, क्या है वो आगे के एपिसोड में ही हम बता पाएंगे। रुचिता को लेकर के अमृता को जरूर जलन होती है, लेकिन आयुषी को श्रुति से जलन नहीं होती है। मैं
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अमृता को पसंद किया है तो और ठीक करिए, बिकॉज ये कैरेक्टर मैं पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो आप सब ने जो भी प्यार दिया या जो भी पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आगे मेरा यहाँ रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो आगे जहाँ भी मैं आपको नजर आऊँ आप बस मुझे ऐसे ही प्यार देते। थैंक यू सो मच। आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं होली की और आने वाले सभी त्योहारों की। आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, होली की भी शुभकामनाएं और आने वाले कई सारे त्योहारों की भी शुभकामनाएं। सर आज का एपिसोड बताइए किस तरह से आशा क्या एपिसोड होने वाला है। आज जो एपिसोड हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा रिविलेशन है, यानी रुचिता अमृता और निहार की शादी है, और अमृता और निहार की शादी के अंदर रुचिता जो इस घर में है लेकिन किसी को पता नहीं कि वो इस घर में है, और वो अमृता का किस तरह से भांडा फोड़ेगी या नहीं फोड़ पाएगी, या अमृता की शादी हो के रहेगी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं और अमृता चाहती है कि वो इस घर में आ जाए बहू बनकर, और इसके बाद में रुचिता का क्या होगा पता नहीं। तो यही चीज़ देखनी है कि अमृता सक्सीड होती है या रुचिता। सर आप किसके सपोर्ट में मैं तो हमेशा से रुचिता के सपोर्ट में रहा हूँ क्योंकि मैं ही रुचिता को इस घर में ले आया हूँ बहू बनाकर, और मुझे पता है कि रुचिता ही सबसे गुणी है क्योंकि उसका मन सुंदर है। ओके, मन सुंदर की जो टीम है सर, वो उनकी जो है मन कैसे है? सबके मन सुंदर है, बस एक दूसरे से बड़ा प्यार है हम लोगों को, और एक दूसरे के साथ बड़े मिलजुल के काम करते हैं, और बड़ी खुशी है कि ये शो यहाँ तक पहुँचा और आगे भी इस तरह से हम सक्सीड करते रहे। देखिए दर्शकों को क्या सीक्वेंस देखने मिलेगा वो अगर आप देखेंगे तो ही मज़ा आएगा, अगर मैं बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। वैसे ये बात है कि इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है, यानी अमृता जीतेगी या रुचिता जीतेगी यही देखना है, और खेल का मजा तब आता है जब आप खेल का आनंद लें। अगर उसका नतीजा अगर आपको पहले से पता है तो आप वो खेल का आनंद नहीं ले सकते। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्या कहेंगे होली पे, कैसा रहा होली? आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मैं दादी पहचान गए होंगे आप। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे मिलजुल के रहिए, होली मिलन जैसा कि कहा जाता है, होली मिलन का त्यौहार होता है, तो अपने आपस में दुश्मनियां ना करके अगर सब मिल के रहें, हंस हंस बोल के रहें, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, मैं बस यही दुआ करती हूँ। दादी आज किसकी शादी करा रहे हैं आप? शादी निहार और अमृता की हो रही है, लेकिन उसमें बहुत ड्रामा है, कितनी मुश्किलें आएंगी उनको, कितनी तकलीफें आएंगी उधर, जैसे कि ऑडियंस को पता ही है कि रुचिता भी जिंदा है, तो रुचिता पूरी कोशिश में लगी हुई है कि ये शादी रुक जाए। अब देखना यही है कि शादी अमृता से होगी या रुचिता से होगी, ये तो आप देखिए। आप तो रुचिता के खिलाफ चल रहे हैं दादी। मैं रुचिता के खिलाफ चल रही थी, लेकिन अभी कुछ एपिसोड से मैं उसका पूरा साथ दे रही हूँ, मैं बिल्कुल उसके लिए पॉजिटिव हो चुकी हूँ, उसे मैंने बहू मान लिया है, एकदम एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी हमारे परिवार वालों को ये सब मालूम नहीं है, लेकिन मैं अब रुचिता की साइड में हो चुकी हूँ और उसकी पूरी मदद कर रही हूँ। मतलब दादी का मन सुंदर हो गया? दादी का मन बिल्कुल सुंदर हो गया इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरी तरह से ये स्वीकार कर चुकी है कि इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती निहार के लिए, इतना मन सुंदर है उसका, और मैंने बहुत रियलाइज किया इस चीज़ को और मैं बदल गई। दादी दर्शकों को क्या कहेंगे जो मन सुंदर देख रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से कुछ है? दर्शकों को तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हमारा सीरियल रेगुलर देखते रहिए, और ये सिर्फ एक ऐसे ही मेलो ड्रामा से नहीं है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब इंसान की आउटर ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होती, जिसका अंदर से मन बहुत अच्छा हो सबसे बड़ी अच्छाई तो इंसान की वही है, और वही सबसे सुंदर व्यक्ति है, मैं तो कहती हूँ। इस चीज़ का मैसेज भी लेने की कोशिश करें और हमारा शो रेगुलर देखते रहें क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा होने जा रहा है आज का। थैंक यू दादी।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल होली की शुभकामनाएं दे दीजिए दर्शकों को आप दोनों मिलकर। सबको आई विश यू ऑल अ वेरी इंजॉय फुल एंड कलरफुल हैप्पी होली, बिकॉज अब वैसे होली तो चली गई है, बट आप सब होली में जो कहते हैं होली का दहन, अपने सारे जो पाप हैं, जो अपनी जो सब आपकी बुरी आदतें हैं उनका दहन कीजिए और एक नए इंसान के रूप में वापस आइए। हैप्पी होली टू एवरीबडी, सारे दर्शकों को दंगल टीवी के हमारे शो के इतना प्यार देने के लिए। होप सबका होली बहुत अच्छा रहा, बहुत सुखी रहा, बहुत पीसफुल रहा और सबसे ज़्यादा हेल्दी रहा। सर आज आप शादी कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस है कुछ बताइए। जी शो में ये मेरी तीसरी शादी है, पहले मैंने रुचिता जी के साथ की, फिर मैंने शिव भगवान बन के की, अब मैं अमृता के साथ शादी करने वाला हूँ। तो सीक्वेंस ये है कि शादी मेरी मजबूरी में हो रही है, जैसे कि अमृता प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। बट मेरा मन नहीं मान रहा है वो शादी करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अब वो शादी होगी या नहीं होगी ये आपको देख के पता चलेगा। लोग एक शादी करके कितना खुश रहते हैं, आप तो किसी शादी करके कितनी खुशी हो रही है। जी लोग जो एक शादी करके खुश रहते हैं, आप उनसे ये प्रश्न 5-10 साल बाद कीजिए कि वो तब कितना खुश रहते हैं। तो आई थिंक मैं पहले से ही थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं 3-3 शादी करके मैं पहले अपने आप को रिलैक्स कर चुका हूँ। एक पूरा आई थिंक पूरी यहाँ से कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी, बहुत नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी, तो वो आपको देख के पता चलेगा। सर आप कहें शादी में आप क्या कर रहे हैं। मेरे भाई की तीसरी हो, जितने भी शादी हो हम खुश ही हैं, बट जैसे हो रही है, जिस सिचुएशन में हो रही है, तो ऑब्वियसली सबको एक फोर्सफुल शादी हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमृता प्रेग्नेंट है। बट जैसे नियार भाई बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा सिचुएशन है, बहुत ही बड़ा सीन है और ट्विस्ट है कहानी में, तो सबको ये सिचुएशन या ये एपिसोड देखना चाहिए और डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में, तो बहुत मज़ा आएगा। सर आप शादी में कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो जो पापा कहते हैं वही मैं मानता हूँ, जो वो बोलते हैं पत्थर की लकीर है, जो वो महसूस करते हैं वही मुझे मान के चलना पड़ता है। बट भाई है तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा वैसा भी भाई की तरफ से प्यार होगा मेरी तरफ से, तो बस जो सिचुएशन है जो फैमिली को हैंडल कर सकते हैं एकदम डेलिकेटली, तो वैसे ही कर रहे हैं। मन सुंदर के दर्शकों के लिए ये मैसेज है कि अभी जो जिस तरीके से ट्रैक चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आप लोगों को आई होप कि मज़ा आए। एंड जैसे कि मैं जानता हूँ बहुत लोग रुचिता से जुड़े हुए हैं एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आई अश्योर यू कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको खुशी मिलेगी। सर भाभी के बारे में कुछ कहेंगे। भाभी हमारी मेरी प्यारी भाभी हैं। भाभी का क्या है कि भाभी हमेशा सच का साथ देती है और अपने निहार को बहुत मानती हैं, लेकिन इस मामले में वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी भी बहन है अमृता, लेकिन बट आई होप कि भाभी एंड में भी सच का साथ ही देगी। थैंक यू सर। आज हाय, मैं अपर्णा घोषाल पूनम गोयल का किरदार निभा रही हूँ इस शो में मन सुंदर। सो ये मन सुंदर जो शो है, ये इसमें आप सभी दर्शकों का इतना प्यार और इतना स्नेह मिला है शो को, जिस वजह से हम अभी तक कायम हैं और सारे ऑड से लड़ते हुए आपके पास रपारप जो है एपिसोड्स पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी मेहनत है हमारी यूनिट की इसमें। एनीवेज आज का जो सीक्वेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिवोल्यूशन है और निहार की तीसरी शादी है ऑन स्क्रीन और बेचारा ऑफ स्क्रीन अभी कमा रहा है, तो बहुत ही दिलचस्प है ये सीक्वेंस क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा होंगी। तो इसमें हर एक किरदार का एक अपनी अहम भूमिका है, बट अमृता और रुचिता के बीच का की जो एक बात है जो इतने दिनों से दर्शक देख रहे थे, वो सारी चीज़ें एक एक करके उन सब के नॉट्स खुलेंगे और बहुत दिलचस्प होने वाला है ये एपिसोड। मैम आप मतलब शादी कराने के मूड में हैं या?
मैं नहीं, मेरे मेरे मेरा जो पूनम गोयल का किरदार है वो कभी भी नहीं चाहता है कि इससे भी शादी हो या उससे भी शादी हो। मतलब ना पूनम गोयल को अमृता चाहिए ना रुचिता चाहिए आज की डेट में, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा मानती है और उसके लिए सुपर बहू चाहती है। थैंक यू सो मच।